अगला जो क्वेश्चन है ये हीट इंजन से रिलेटेड है, जो हम लोग कार्नट साइकिल पढ़ते हैं है ना, उससे रिलेटेड जो है ये सवाल है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कार्नट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स ऑफ टेम्परेचर 900 केल्विन एंड 300 केल्विन। हमें पता है कि जो हीट इंजन होता है वो सोर्स और सिंक दो रिजर्वायर के बीच में वर्क करता है ना। सोर्स जो होता है वो माना जाता है कि हायर टेम्परेचर वाला रिजर्वायर है, यहाँ से एनर्जी इंजन लेता है, सपोज क्यूएच एनर्जी लेता है, और ये क्या करता है कुछ वर्क करता है ना, कुछ वर्क करता है इंजन, और बाकी जो एनर्जी है वो रिजेक्ट कर देता है सिंक में। सिंक क्या है, लोअर टेम्परेचर वाला रिजर्वायर है एनर्जी का, है ना। तो इधर जो हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगा वो है क्यूएल। हम लोग इफिशियंसी जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड, ठीक है, और ये एक्चुअली में आता है 1 - TL/TH, जो कि कार्नट साइकिल जो होता है उससे हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि जो इफिशियंसी है 1 - TL/TH के इक्वल आता है, ठीक। अब क्वेश्चन में दो रिजर्वायर का टेम्परेचर बताया गया, एक 900 केल्विन है एक 300 केल्विन है, तो 900 ओबियसली हायर टेम्परेचर वाला है तो ये 900 हो गया, और 300 लोअर टेम्परेचर वाला है तो TL जो है वो 300 केल्विन हो गया, है ना। इसके बाद कहा गया द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल, द हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। मतलब QL का वैल्यू फाइंड करना है, अगर वर्क डन दिया गया है 1200 जूल, है ना, जो हीट इंजन है ये सिंक में कितनी एनर्जी रिजेक्ट करेगा वो बताना है, ये इंजन वर्क करता है कितना 1200 जूल, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो वर्क डन जो है देखेंगे 1200 जूल दिया गया है, यहाँ पर QH हमें नहीं पता है, 1 - TL और TH पता है, TL जो होता है ना वो होता है यहाँ पर दिया गया 300 और TH है 900, है ना। तो ये हो जाएगा 900 - 300/900, दैट इज 600/900 यानी 2/3, ठीक। तो यहाँ से QH का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं 3 × 1200/2 ये आ जाएगा 1800 जूल, ठीक। ये QH आया 1800 जूल। अब हमें पता है कि यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, हमने इतना एनर्जी दिया सोर्स से हीट इंजन को, इसमें से एनर्जी जो है दो तरह से यूज हो रहा है, कुछ तो वर्क के फॉर्म में जा रहा है और कुछ जो है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, अपने पास कोई भी एनर्जी नहीं रखा है। तो इतना आया, इतना रिजेक्ट हो गया, इतना यूज हो गया वर्क में, तो QH इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस QL, ऐसे लिखा जा सकता है ना, जिसमें से QH है 1800 जो अभी हमने फाइंड किया, वर्क डन दिया गया है 1200 और QL का वैल्यू फाइंड करना है। तो QL यहां से देखेंगे कि ये आ जाएगा कितना 600 जूल, है ना। तो ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 600 जूल।